नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। हमारी टीम पिछले एक सप्ताह से सोनीपत जिला में है और फिलहाल हम सोनीपत के गोहाना में हैं और गोहाना की जलेबी पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। ऐसे में यहाँ पर जो नाम मुख्य तौर पर जो प्रसिद्ध है गोहाना के अंदर जलेबियों के मामले में, तो वो है मातूराम हलवाई का। और यहाँ हम जब आए तो फिलहाल हम शिव चौक पे हैं और मैं एक आपको तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है लाला मातूराम हलवाई 1958 से समस्त भारत में मशहूर जलेबियाँ, ये शॉप यहाँ पर है 1958 से। ये बता रहे हैं कि 1958 से इनकी यहाँ पर ये हलवाई की दुकान है और मातूराम हलवाई का जो एक नाम प्रचलित है वो इनका पेटेंट हो चुका है ये मान रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा, इधर आप देख सकते हैं, यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर है ये मातूराम हलवाई जलेबियाँ एक और दुकान है। तो जब भी हम यहाँ पहुँचे तो एक साथ 100 मीटर की दूरी पर दो अलग अलग दुकानें एक ही नाम से, हालांकि इसमें एक का नाम जो है वो मातूराम लाला मातूराम के नाम से है और दूसरा है सीधा मातूराम हलवाई के नाम से। तो ऐसे में अब हम अंदर इनसे बात करेंगे, दोनों दुकानों के जो संचालक हैं मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे, इनकी जलेबियों के बारे में भी पूछेंगे और जिस मातूराम का नाम पूरे प्रसिद्ध है मातूराम हलवाई की जलेबियाँ, तो वो यहाँ पर कौन सी दुकान है, किस दुकान के नाम पे यहाँ पर ये मातूराम हलवाई का नाम जो है वो प्रसिद्ध हो रहा है, कौन सी दुकान उसमें एक्चुअल में उसके जो वारिस हैं वो कौन है। तो चलिए अंदर का हम आपको दृश्य दिखाते हैं, उनसे हम बात करते हैं। लाला मातूराम हलवाई की दुकान के जो अब फिलहाल मालिक हैं वो नीरज गुप्ता जी हैं, वो फिलहाल हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। नीरज जी, हम यहाँ पर आए हैं तो दो दुकानें 100 मीटर की दूरी पर मातूराम हलवाई के नाम से हैं और जिसका नाम प्रसिद्ध है पूरे भारत के अंदर मातूराम हलवाई, वो कौन सी है, ये कन्फ्यूज़न हमें हो रही है। देखो जी, मेरा नाम नीरज गुप्ता है और मेरे दादाजी श्री मातूराम जी थे, मेरे फादर श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। हमारे नाम से करीबन यहाँ गुहाने के अंदर आपको 30 दुकानें मिलेगी डुप्लीकेट, जो हमारे नाम का मिसयूज़ कर रहे हैं और जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, बिगर क्वालिटी देने। और हम ये चाह रहे कि हमारा नाम जो यूज़ कर रहा है कम से कम क्वालिटी तो दे, पर उनके पास क्वालिटी नहीं है। और ये दुकान ओरिजिनल आप कहीं भी पता करना मार्केट में, बाज़ार में, आपको ओरिजिनल शॉप का पता लग जाएगा। तो आप कह रहे हैं 30 दुकानें हैं, एक तो आपके बिल्कुल बगल में है, तो ऐसे में कोई ग्राहकों को कन्फ्यूज़न भी होती होगी जैसे हमें हुई है? होती है कन्फ्यूज़न, उनको होती है जो नया कस्टमर आता है, पर हमारे बंधे हुए कस्टमर है जिनको अच्छी क्वालिटी खानी है वो सीधा हमारे पास ही आते हैं। जो बाहर से नए कस्टमर आते हैं ना उनको प्रॉब्लम होती है थोड़ी, पर जो पता करके आते हैं वो सीधा यहीं आते हैं। जैसे आप आए, आप भी कहीं से पता करके आए होंगे कि ओरिजिनल शॉप पे जाना है तो आप ओरिजिनल शॉप पे पहुँचे हो। अच्छा, ये यहाँ पर इतनी दुकानें हैं तो इसमें आपने लीगली तौर पर कोई प्रयास किया है इसको एक समाधान करवाने के लिए? लीगली तौर पर किया है, हमारा सोनीपत सेशन कोर्ट से हम केस जीत भी चुके हैं, फिर उन्होंने आगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अप्लाई कर रखा है। तो अभी कोरोना की वजह से हमारा डिले है, पर हमें न्याय पे न्याय जरूर मिलेगा एक दिन, हमें यकीन है। हाँ जी, यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर दो दुकानें हैं मातूराम हलवाई के नाम से जी, जिसका नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध है मातूराम हलवाई, तो उसके एक्चुअल में जो वारिस हैं वो कौन से हैं, ये हैं या वो दूसरी दुकान वाले? ये हैं जी। अच्छा, नीरज कुमार जी गुप्ता। तो ये ऐसे कैसे हो रहा है, अभी दोनों नाम एक सेम नाम से इन्होंने कर रखा है, क्या कारण है? एक जब आदमी पॉपुलर हो जाता है ना उसके नाम के पीछे दुनिया चलती है फिर। हाँ, और भी कोई दुकान है उस नाम से मातूराम के नाम से? हाँ, इनके जो सगे ताऊ जी हैं, रिश्ता ताऊ जी का लड़का है, वहाँ फुहारे चौक पे है, दो दुकानें और इनकी, ये तीन ही दुकान है सिर्फ इनकी, इनकी अपनी पर्सनल दो, बाकी तो सब नकला नकार नकली है। सबसे पुराना यही है? सबसे पुराने यही है मंडी वाले। तो ये एक ग्राहक है यहाँ के, इन्होंने भी बताया है कि सबसे जो पुराने हैं वो इसी दुकान के, जो लाला मातूराम के नाम से जो ये दुकान है ये एक्चुअल में उसके वारिस जो है वो यही हैं। जो दूसरी मातूराम हलवाई की दुकान है उस पे हम पहुँचे हैं और सुशील शर्मा यहाँ पर संचालक के तौर पे हैं और उनसे हम बात करते हैं।
सुशील जी, हम यहाँ आए थे, दो दुकानें दिखी हमें 100 मीटर के दायरे में, और एक्चुअल में जो माथुराम का नाम से प्रसिद्ध है तो वो दोनों पे माथुराम नाम लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में कौन से वो माथुराम हैं जिसका चर्चा पूरे उसमें है? सर, जो अपनी पुरानी दुकानें थी, ये दो थी अपनी, एक यहाँ 1956 से बर्बाद में 58 से वहाँ हुई थी। हाँ जी, जो स्टार्टिंग करी थी आपने यहीं से करी थी। और भी कोई दुकानें हैं क्या माथुराम के नाम से आपके हिसाब से शहर में? कुछ तो परिवार की है चाचे ताऊ की, कुछ फिर बाहर के भी करके बैठे हैं अभी। अच्छा। हाँ जी, आपके भी परिवार के चाचा ताऊ? चाचे ताऊ में अपनी दो दुकानें और फुआरा चौक पे। अच्छा। हाँ जी। इसके अंदर जो दूसरी दुकान है वो कह रहे हैं भी है, उन्होंने कोई लीगली तौर पे केस भी डाल रखा है और वो जीत भी गए थे, इस टाइप का आपको है कोई नॉलेज इसमें? ऐसा कुछ नहीं है सर, सब अपनी अपनी अलग से रजिस्टर्ड करवा रखी है। अच्छा। हाँ, वैसे केस चल रहे हैं उन पे भी। अच्छा। हाँ, तो आपकी जो यहाँ पर है इस मिठाई का, जो विशेष तौर पर जो जलेबी है, तो इसका क्या खासियत क्या है जिसकी वजह से पूरे उसमें देश के अंदर गोहाना की जो जलेबी है वो प्रसिद्ध है? सर, एक तो ये 250 ग्राम की होती, किलो में 4 आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये प्योर देसी घी में बनती है और ये ख़राब नहीं होती, आप जितने मर्जी दिन खाओ इसको आराम से। हाँ जी। तो ये थे सुशील शर्मा जी, ये भी बता रहे हैं कि उनका यहाँ पर 1956 से शॉप है और उसके दो साल बाद जो माथुराम, लाला माथुराम के नाम से जो दुकान है वो 1958 से शुरू हुई थी और दोनों का ही समय लगभग बराबर पैरेलल में गया है, लेकिन इनके अलावा और जो दुकानें हैं वो काफ़ी दुकानें हैं लेकिन वो बाद में बनी है और उनका कोर्ट केस भी चल रहा है। तो ये पूरी हमने आपको बताया कि गोहाना की जो जलेबी प्रसिद्ध है और जो विशेष तौर पर माथुराम हलवाई की जो दुकान है उनका भी हमने आपको निरीक्षण और वहाँ की जो दोनों जो संचालक हैं उनसे भी हमने बात करवाई है। अपने न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप के साथ हनुमान पूनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए।